हेलो फ्रेंड्स, सेविका किचन 321 में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक छोटा वाला माइक्रोन पास्ता है। मैं इसी का आज पास्ता आपको बना के दिखाती हूँ। इसमें इम्यूनिटी मिलती है और विटामिन आयरन से भरपूर है, इसलिए हमारे सेहत के लिए ये अच्छा है। अभी ये मेरा 100 ग्राम है मैंने, और इसमें से आधा मैंने बना लिया है। इसमें 100 ग्राम है और मैंने इसमें कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख दी हूँ। अभी इसमें जब उबाल आ जाएगा फिर मैं इसमें माइक्रोन पास्ता डालूँगी। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। अभी ये बॉईल हो गया है पानी, कम से कम मैं 1 लीटर पानी ली हूँ। जितना आपके पास पास्ता हो उतना उसके हिसाब से, मतलब डबल डबल तिबल पानी लीजिए, मतलब पास्ता उसमें खिल के पूरा पानी के साथ बॉईल हो, इसलिए अंजात के आप ज़्यादा ही पानी लीजिएगा। मैंने 1 लीटर पानी डाला है उसमें, और डालने के तुरंत बाद आप इसको ऐसे बिल्कुल चला दें ताकि पूरा पानी में ये अब्जॉर्ब हो जाए। अभी इसको आप बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि एक जगह ना रहे पूरा, ऐसे आप चलाते रहिएगा। अभी ये बिल्कुल हो गया है, 5 मिनट हो गया मुझे पकाते हुए, इसको उबालते हुए। अभी मैं इसको देख लेते हैं ऐसे हाथ से, थोड़ा सा जल रहा है लेकिन देखिए थोड़ा सा ही हल्का सा कच्चापन रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि निकालने के बाद ये ओवर कुक हो जाता है, इसके लिए ज़्यादा नहीं पकाने का। अभी मैं बंद कर देती हूँ। अभी मैं इसको छान लेती हूँ। मैंने अभी इसको छान लिया हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये पूरा एक एक अलग अलग दिखे। आप इसको ज़्यादा अगर ओवर कुक कर देंगे तो इससे क्या होगा, एक दूसरे में ये चिपक जाएगा, इसलिए आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कच्चा ही पन इसको उबालें। अब इसमें पानी से मैं इसको वाश कर लेती हूँ। अभी मैंने इसको वाश कर लिया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच बिल्कुल ऑयल डाल रही हूँ, और इसको मैं पूरा एक दूसरे में मिला लेती हूँ। अभी मैंने इसमें तेल इसलिए डाल दिया है ताकि ये एक दूसरे में चिपके ना और खिला खिला पास्ता बने। अभी मैंने गैस को स्टार्ट कर लिया है। अभी मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है। मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच मीठा तेल डाल दिया है। आपके पास बटर हो तो आप बटर का यूज कर सकते हैं। मैंने मीठा तेल डाला है। अभी ये मैंने लहसुन लिया है, 4-5 कलियाँ हैं, और 2 हरी मिर्च है। अभी लहसुन कटा और 2 हरी मिर्च इसको डाल ली हूँ। अभी मैं इसको बराबर चलाती जा रही हूँ, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। अभी मैं इसमें 1 बड़ा प्याज पतला पतला स्लाइस करके मैंने काट लिया है। अभी इसको भी हल्का ही भूनना है। अभी इसमें टमाटर 1 डाल देती हूँ, और ज़रा सा इसमें नमक डाल देती हूँ ताकि ये गल जाए, और इसको बराबर चला लें। और हल्दी थोड़ा सा 1 चुटकी, और इसमें लाल मिर्च कश्मीरी डाल देती हूँ 1/2 चम्मच। अब इसको बराबर चला लेती हूँ। अभी मैं इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता माइक्रोनी डाल देती हूँ। अब इसको बराबर डालने के बाद आप इसको तुरंत बराबर चलाते जाए ताकि कढ़ाई में ना चिपके। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। अभी इसको बराबर आप चलाते जाइए ताकि ये कढ़ाई में चिपके ना। अभी मैं इसमें टमाटर केचप डाल रही हूँ, कम से कम 4-5 चम्मच डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं क्रीम डाल दे रही हूँ, इसको मैं 2 चम्मच डाल दे रही हूँ। अभी इसको आप बराबर मिक्स कर लीजिएगा, बराबर पास्ते में एकदम एक अच्छा। अभी इसको बराबर आप चलाते हुए आप इसको बराबर चलाते जाइएगा, और गैस मैंने अभी बंद कर दिया, और इसको बराबर आप ऐसे चलाते रहिए। देखिए कितना अच्छा बनके रेडी हुआ है। अभी इसको बड़े बच्चे सब खा सकते हैं। बच्चे तो बहुत चाव से खाते हैं,
और बड़े भी खाते हैं। और इसमें आप अपने अनुसार मिर्च डालिएगा, बच्चों को बना रहे हैं तो बहुत कम मिर्च डालिए, और बड़े लोगों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा मिर्च ज़्यादा कर दीजिए। अभी मैं, चलिए रेडी हो गया है मेरा पास्ता बनके माइक्रोनी, अभी मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। अभी मैंने प्लेट में निकाल लिया है, अभी मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा ही चीज़ डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा ही मैं डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा सा हरे पत्ते डाल दी हूँ धनिया के। अभी मेरी माइक्रोनो पास्ता रेडी है, आप मेरी तरह बनाइए और बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगे मेरी रेसिपी तो पास्ता तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मैं कोई भी चीज़ नई रेसिपी डालूँ तो आपके पास पहले पहुँचे। और आप मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय, नई रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ मैं।